3.3 सेकेंड्स में 0 से 100 जाती है। इसकी रेंज है 602 किलोमीटर की। ऑब्जर्वेशन डेक, और यहाँ से देखते हैं कि कैसा पूरा व्यू आता है। चलो भाई, सब्सक्राइब टू YPM Vlogs एंड लाइक द बेल आइकन। आई थॉट कि जरा चेकआउट करते हैं रूम से व्यू कैसा है, तो मैंने क्या करा, सिर्फ ये कर्टन हटाए और आई फिगर आउट की इस पे तो यार देखो यहाँ पे फिल्म लगा रखी है ताकि इसे ना तो बाहर दिखे और ना तो इससे अंदर दिखे। सबसे पहला मेरा एक्चुअली काम होता है रूम के अंदर आते ही व्यू देखना, बट दुबई में ऐसा नहीं होता। मतलब यहाँ का अलग ही एक्सपीरियंस है। ऐसा होता है मतलब जल्दी से सामान अपने रूम में फेंकूँ, उसके बाद सीधा जाऊँ दुबई मॉल, बुर्ज खलीफा देखूँ, जुमेरा जाऊँ, JBR जाऊँ। मतलब हमेशा ऐसे ही मेरा पूरा सीन रहता है। तो अभी आज की वीडियो में भाई मैं जाने वाला हूँ टेस्ला के शोरूम, बिकॉज भाई आप लोगों ने बोला था कि आप लोगों को देखनी है टेस्ला की गाड़ियाँ, मॉडल 3, मॉडल S वगैरह। तो ज़रा चलता हूँ टेस्ला के शोरूम जो कि है शेख ज़ैयद रोड पे। उसके बाद मैं आई थिंक जाऊंगा जुमेरा, और आते हुए तो दुबई मॉल जाना ही जाना है। तो करते हैं अपने आज के व्लॉग को स्टार्ट। एंड बाय द वे रुक जाओ वेल, सो व्हाट इज अप गाइस, वेलकम व्लॉग्स बैक हियर। एंड भाई कैसे हो आप लोग, ये है मेरा दुबई में दूसरा दिन। तो चलो करते हैं अपने आज के व्लॉग को स्टार्ट, सो लेट्स गो। वेल सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम व्लॉग्स बैक हियर। कल रात को मेरे को बहुत भूख लगी थी, तो मैंने सोचा जरा ये मिनी वेज मील ऑर्डर करते हैं। उसके बाद मैंने ये मंगवाया और इसमें पूरा ये वेज मील आया था, बिकॉज कल ट्यूज़डे है ना। और ये देखो ये हमें मतलब पूरा नॉन वेज मील्स हैं, और मैंने ये खाया था, मतलब बहुत अच्छा था ये। सो आई एम रेडी। अभी मैं लगभग उठा हूँ 2-2:30 बजे के अराउंड, अभी 3 बज रहे हैं। मतलब यहाँ पे आगे भी वही वाला सेम हाल है। सुबह सोया था 7 बजे के अराउंड। एंड ऑल तो मैंने एडिटिंग नहीं करी बिकॉज आई डोंट हैव माई लैपटॉप। लैपटॉप मेरे को वहाँ से परचेज भी करना है, तो अब निकल रहा हूँ। चलो, एंड जो कैमरा से वहीं पर रखा जाऊँगा बिकॉज कैमरा वगैरह कैरी करना दुबई के अंदर थोड़ा सा मुश्किल है। ये लोग ना मतलब तो काम करते हैं 2 बजे तक, फिर 2 से 5 इनकी छुट्टी हो जाती है बिकॉज जो गर्मी है ना इतनी ज़्यादा है। फरवरी का महीना देख लो, तब भी इतनी गर्मी है। तो बाद में मतलब सोचो कितनी गर्मी होती होगी जब इनका होता होगा मई जून। भाई मैं तो सोच के हालत हो जाती है कि नाक से मेरा सीधा खून निकलना शुरू हो जाए। वैसे भी देखो टैनिंग शुरू हो चुकी है मेरे फेस पे भी, और हाथों पे देखो टैनिंग शुरू हो गई पूरी। यहाँ पर देखो ऐसे होते हैं फ्लैट्स, बहुत लोग कमेंट करते हैं ना कि भाई उन लोगों को अगर होना चाहिए शिफ्ट दुबई में तो फ्लैट्स वगैरह कितने रुपए से मिलते हैं। तो उसका तो आइडिया मेरे को पता नहीं है, बट ये मुझे पता है कि मतलब आराम से 5-6 लाख अगर आप आते हो तो उसमें आपको एक अच्छा खासा फ्लैट मिल जाता है 1 साल के रेंट के लिए। ऐसा कुछ होता है यहाँ पर सीन। तो यह ये देख लो, ये पूरा भर दुबई है। मैंने अभी यहाँ पे ली है टिकट अपनी दुबई मॉल बुर्ज खलीफा की, बिकॉज वहीं पे टेस्ला का शोरूम है। मेरे को पड़ी है 6 दिरहम की। अगर से मैं जाता टैक्सी तो मेरे को पड़ती 25 दिरहम। तो मैंने यहाँ पे थोड़े से वैसे सेव कर लिए अपने। उनकी पूरी भाई मेट्रो भरी पड़ी है। मतलब मेरे को लगा था ऐसे ऐसे अपना होता है ना हाल रजीव चौक पे, वैसे हाल यहाँ पे हो रहा है भाई। इतनी जैम पैक, मेरे को लगा था कुछ ना कुछ सेफ्टी मेजर वगैरह होंगे, बट नहीं भाई। अगर अब मैं एक्सपो जाऊँगा, कल जाऊँगा वैसे तो मैं गोल्ड मेट्रो में जाऊँगा या मैं टैक्सी पे जाऊँगा या मैं बोल दूँगा अमर भैया को। इसमें तो नहीं जाने वाला भाई। ये एग्जिट 2 से बाहर निकलते ही टेस्ला का देखो इतना बड़ा शोरूम। भाई ये है शोरूम टेस्ला का, वहाँ खड़ी है मॉडल 3, यहाँ पे है इनका प्रोटोटाइप, और यहाँ पे है मॉडल Y। 3.3 सेकेंड्स में 0 से 100 जाती है। इसकी रेंज है 602 किलोमीटर की। ऑल व्हील ड्राइव, पैनोरामिक ग्लास रूफ, एंड दिस इज लुकिंग अमेजिंग। इसके जो हैंडल्स हैं बता रहा हूँ, भी देखो यहाँ से उसको ऐसे करूँगा प्रेस तो ये ओपन हो जाएगी। ये भाई मैं आ गया टेस्ला में। एंड ये इसका स्टेयरिंग है, यहाँ पे इंडिकेटर्स, यहाँ पे रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव, यहाँ पे इसके स्टीयरिंग कंट्रोल्स, कंट्रोल करने के लिए स्क्रीन, और ये इतनी बड़ी स्क्रीन है। यहाँ देखो इसका मैप आ गया, और यहाँ पे पेडल्स एंड स्टेयरिंग। यहाँ पे इसमें 2 मोड्स हैं, चिल एंड स्पोर्ट। स्टेयरिंग मोड 3 है, कंफर्ट, स्टैंडर्ड एंड स्पोर्ट। स्टॉपिंग मोड भी है इसके अंदर। एग्जांपल अगर आपको जाना है दुबई मॉल से, बस आप डाल दो आपको दुबई मॉल जाना है, एंड उसके बाद में यहाँ से कर दो सेट, ऑटो पायलट अपने आप ये पहुँचा देगी। एंड यहाँ पे इसके कंट्रोल्स हैं आवर विंडोज़ के। एंड यहाँ पे कोई हैंडल नहीं है गेट खोलने के लिए, इसको प्रेस करोगे और ये गेट आपका खुल जाएगा इसके अंदर। आई थिंक एक कोल्ड ग्लव बॉक्स है। ओके, यहाँ पे कोई ग्लव बॉक्स नहीं मिलता। एंड यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो ये देखो यहाँ स्पॉटीफाई वगैरह भी कर सकते हो सॉन्ग्स वगैरह प्ले। ट्रंक ओपन करने के लिए पीछे से होती है, फ्रंक आगे, बिकॉज पूरी इलेक्ट्रिक कार है। बट यार 3 सेकंड में ये 100 पहुँच जाती है। 3 सेकंड में 100, इसको मैं सुपर कार ही बोलूँगा भाई, बिकॉज भाई कितनी अच्छी है वैसे अंदर से। इसके मेरे को डिस्प्ले से प्यार हो गया। अब मेरे को समझ आ रहा है कि आप लोग मेरे को क्यों बोलते थे वीडियो बनाओ टेस्ला पे, वीडियो बनाओ टेस्ला पे, बिकॉज भाई ये गाड़ी इतनी अच्छी है। उसका एक बार ये देखो पैनोरामिक ग्लास रूफ, ऑल्दो यू कैंट ओपन दिस बट दिस इज़ वेरी ग्रेट। अच्छा, यू गाइज नो कि आप इसमें गेम भी खेल सकते हो। यू गाइज कैन ऑल्सो प्ले गेम्स इन दिस। एग्जाम्पल इफ आई क्लिक हेयर, आर्केड पे क्लिक करूँगा तो आई कैन प्ले द गेम्स यूजिंग द स्टेयरिंग। यहाँ पे है मॉडल 3 की बैजिंग भी। इसका हैंडल बहुत अच्छा लगा मेरे को। और ये इसके पीछे से लुक्स देखो, इस पर एक स्पॉइलर लगा हुआ है, एंड यहाँ पे लगभग ये दुबई में 52-53 लाख की है गाड़ी ये वाली, एंड टोटली वर्थ भी है। ये इसके अलॉयज़ देखो रेड कैलिपर्स के साथ में। आई वुड हैव रेंटेड दिस कार इन दुबई बट टेस्ला एक्चुअली रेंट पे अवेलेबल है नहीं दुबई में, नहीं तो इसको मैं ज़रूर रेंट करता, तो मैं ज़रूर चला के देखता। ये सारे यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल हैं अगर आपको कस्टमाइज़ करवानी है अपनी गाड़ी। रेड, वाइट, ब्लू, ग्रे एंड ब्लैक में ये गाड़ी आपको मिल जाती है, एंड इसके अंदर ये सारे कलर्स आपको दिख जाएंगे। टेक्सचर इंटीरियर का आपको कैसा चाहिए ये पूरा कर सकते हो, एंड अगर आप गाड़ी आज बुक करोगे तो आपको जाके मई में मिलेगी बिकॉज इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है दुबई के अंदर। ये है भाई मॉडल वाइज की जो रेंज है वो है 533 किलोमीटर्स की, 5 सेकेंड में जाती है 0 से 100। एंड ये आप देखो तो टाइप जैसी हमारी GLA है ना वैसी है। इंटीरियर इन सबका थोड़ा सेम ही मैं बोलूँगा। इसमें स्टेयरिंग यहाँ पे इतना बड़ा डिस्प्ले सैम्पल होगा, उसके अगर ट्रंक ओपन करनी है तो इसको प्रेस करके रखना है एंड इसकी जो ये ट्रंक है ये ओपन हो जाएगी। एंड इसके बाद में जो इनके इंटीरियर देखो सबके सेम ही है। यहाँ से ड्राइव में चली जाती है ये, शोरूम मोड इनेबल्ड, ड्राइव नॉट अलाउड। सस्पेंस स्पेशली इस वाली गाड़ी में ना कोई कंट्रोल्स वगैरह नहीं है, मतलब बटन वगैरह। ग्लब बॉक्स खोलना है, दबाया ग्लब बॉक्स खुल गया। उस वाले मेरे को लगा था ग्लब बॉक्स नहीं है बट उसमें ग्लब बॉक्स है, बट उसमें कोई बटन नहीं था इसलिए मेरे को लगा ग्लब बॉक्स नहीं है। भाई एक्चुअली ना इसको मैं सुपर कार ही बोलूँगा, इसको इलेक्ट्रिक कार नहीं बोलूँगा बिकॉज भाई ये हवा में उड़ती मेरे को लग रहा है। 5 सेकंड में 100, वो 3.3 सेकंड में 100। लेट्स सी ये पीछे से कम्फर्टेबल है कि नहीं। तो ये देखो मैं पीछे बैठ गया। यहाँ 2 AC वेंट्स हैं एंड अगेन यहाँ पर बटन है डोर खोलने के लिए। स्पीकर्स ये रहे। मेरे लेफ्ट में अड्रेस स्काई व्यू, और यहाँ पे देखो ये WASL टावर बन रहा है और इसके पीछे वहाँ बुर्ज खलीफा छुप गया है। अभी मैं ढूंढ रहा हूँ अपने लिए टैक्सी, मेरे को जाना है जुमेरा। भाई मैं भी जा रहा हूँ तो मरीना, एंड मैं ये पूरा भी गोल्ड क्लास केबिन में हूँ बिकॉज भाई जो पीछे मतलब पेड केबिन है ना वो तो पूरे भरे पड़े हैं, टैक्सी मिल नहीं रही थी तो मैंने भी सोचा ये भरा ले लेता हूँ और इसमें पहुँच भी जाऊँगा आराम से। अच्छा खासा देखो बैठ भी गया हूँ। ये है भाई मरीना और यहाँ से व्यू देखो कितना बढ़िया है यार। भी आया हूँ मैं सबवे पे और यहाँ पे मैं खा रहा हूँ ये मीटलेस सबवे, ये वाला यहाँ पे एक नया आया हुआ है ये वाला। देखो ये पूरा बनवा रहा हूँ, बहुत तेज़ की भूख लग गई है। इतनी तेज़ की भूख लगी थी ना, सब खाया मैंने यहाँ पे, जिसके अंदर मतलब वेज वाली पैटी थी बट इट टेस्टेड लाइक चिकन, तो वो भी सही थी। और कितनी बढ़िया बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर। ये है वर्ल्ड का लार्जेस्ट फेरिस व्हील और मेरे को वहीं जाना है। यहाँ से लेफ़्ट ले करके मतलब सीधा मेरे को जाना पड़ेगा, तो लगेंगे मेरे को 5-10 मिनट पहुँचने में वहाँ पे। और ये है जुमेरा बीच रेजिडेंस। ये देखो भाई कितना अमेजिंग व्यू है। अरे रेस्टोरेंट्स, वहाँ पे लोग कर रहे हैं यॉट पार्टी और मेरे को जाना है अभी इस पे। टिकट मैंने ले ली है, टिकट मेरे को पड़ी है 350 दिरहम्स की बिकॉज ये मैंने लिया सनसेट वाली VIP टिकट। इसमें 2 नॉन एल्कोहलिक ड्रिंक्स या एल्कोहलिक ड्रिंक्स अवेलेबल हैं, तो मैं तो नॉन एल्कोहलिक लूँगा। जहाँ चल रहे हैं ये सारे देखो हैं। जो नॉर्मल टिकट का प्राइस है वो है 150 दिरहम के अराउंड, मतलब जो टिकट है एक है 3000 रुपये की, एक है 7000 रुपये की। तो आप सब टू यू आपको कौन सी वाली परचेज़ करनी है। ये है भाई ऑब्जर्वेशन डेक और यहाँ से देखते हैं कि कैसा पूरा व्यू आता है। चलो भाई किस्मत है भाई मेरी, आज फुल मून दिख रहा है, मतलब पूरा बिल्डिंग के बीच से बहुत बढ़िया लग रहा है यार व्यू तो। बहुत ज़्यादा मेरे को मज़ा आया। ये है भाई सोवेनियर शॉप और पर्सनली मेरे को अच्छा लगा ये वाला सोवेनियर बहुत ज़्यादा। ये देखो यहाँ पे T-शर्ट्स एंड ऑल। तो अभी तो आ चुका हूँ यहाँ से वापस, एंड देखो कितना बड़ा है यार ये, मतलब ऊपर जैसे लग नहीं रहा था जाकर के कि इतना ऊंचा होगा बट दिस इज 250 मीटर्स। एंड यहाँ से मैंने सोवेनियर्स वगैरह भी परचेज़ करे हैं। ये पूरा मरीना है सामने, यहाँ पे खिंचवाता हूँ ना मुझे फ़ोटोज़ वगैरह में। एंड यहाँ पे हर रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं। हैशटैग मिराज जिसने पूरा ये बनाया हुआ है ब्लू वाटर आइलैंड, यहीं पर मैंने गाने का शूट भी करा था अपना। एंड सामने मरीना है जहाँ पे खिंचवाता हूँ फ़ोटोज़ वगैरह में इंस्टाग्राम की। यहाँ पर जा रही है देखो एक टेस्ला मॉडल 3, एंड मैंने भी कर लिया कैब। आप लोगों ने देखा पूरा मेरा आज का व्लॉग टेस्ला के बारे में एंड साथ ही आइलैंड के बारे में। कैसा लगा मेरे को बताना, इसके लिए वीडियो पे करके कमेंट खत्म करता हूँ। आज के व्लॉग में यहीं पे ही विद दैट्स इट, बाय एंड स्टे सेफ। अब मैं आ चुका हूँ दुबई मॉल और वो रहा बुर्ज खलीफा। चलो बाय। एंड फॉलो करो इंस्टाग्राम आईडी पे जो कि है @YPM Vlogs।